क्या दिल्ली में भी होगा बिहार जैसा हाल? नाम है सुनीता केजरीवाल। जी हां, आपको बिहार में राबड़ी देवी याद होंगी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री। जब लालू यादव के जेल जाने के बाद बिहार की कमान राबड़ी देवी ने संभाली थी। दिल्ली में जैसे हालात हैं, इसको देखते हुए भी अब लगता है कि ऐसा ही कुछ दिल्ली में हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि नई आबकारी नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में है। ईडी ने उन्हें गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद जो कुछ हो रहा है इसको लेकर भी हम आपको लगातार खबर दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इस समय जो है वो बौखलाई हुई है और जिस प्रकार से जो है आम आदमी पार्टी केजरीवाल को ईडी के चुंगल से छुड़ाने की कोशिशें कर रही है, उस पर फिलहाल अभी तक जो है आम आदमी पार्टी को निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि 28 मार्च तक जो है ईडी की रिमांड पर है अरविंद केजरीवाल। और इसी बीच आज एक वीडियो आया है जिसने इस बात को और भी बल दे दिया है कि क्या दिल्ली के अगली सीएम जो है वो सुनीता केजरीवाल होंगी। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले सुनीता केजरीवाल कौन है। जी हां, सुनीता केजरीवाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी है और उन्हें ज्यादातर मौकों पर नहीं देखा गया है। कभी कभार वो कुछ पार्टी के कार्यक्रमों में देखी गई है, लेकिन जब से सीएम अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, राजनीतिक पंडितों का और लोगों का ऐसा कहना है कि सुनीता केजरीवाल दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर बैठ सकती है। इसका एक जो है आज ताजा उदाहरण भी देखने को मिला है। तो आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जब से जेल गए हैं उसके बाद सुनीता केजरीवाल का नाम लगातार सामने आया था। अब सुनीता केजरीवाल का जो है एक वीडियो आया है, उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का जो संदेश दिल्ली वालों के नाम है, दिल्ली के लोगों के नाम है, उनको उन्होंने पढ़कर बताया है। तो आपको बता दें कि सुनीता केजरीवाल का वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों से कहा कि आपके बेटे और आपके सीएम का जो है मैं संदेश लेकर आई हूं। और केजरीवाल ने अपने संदेश में कहा कि उनका जीवन पूरी तरह से देश के लिए समर्पित है और तमाम तरह की बातें। तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए जिसमें सुनीता केजरीवाल आज पहली बार जो है ऑफिशियली कैमरे पर आई और उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का जो मैसेज ईडी की कस्टडी से है वो दिल्ली वालों को दिया। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है। मैं अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हूँ। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं, इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में जरूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर वन देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा
और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफरत नहीं करनी, वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। आपका अपना अरविंद। जय हिंद। तो आपने सुनीता केजरीवाल को सुना। सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का मैसेज दिल्ली वालों को दिया है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। ऐसे में अब ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि अगर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो सुनीता केजरीवाल दिल्ली की सीएम बन सकती हैं। लेकिन ये फिलहाल अटकलें ही हैं। क्या ये सच होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे पहले इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाओं का जो माहौल है वो फिलहाल चल रहा है। आपको बता दें कि जब से सीएम अरविंद केजरीवाल आपको ईडी की कस्टडी में गए हैं, ईडी ने उन्हें दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया है, उसके बाद से चर्चाओं का दौर तेज है। बीजेपी लगातार उन पर निशाना साध रही है और आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप देखे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन दिल्ली में है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, और इसके बाद कांग्रेस पार्टी केजरीवाल को ईडी की कस्टडी से छुड़ाने और उन्हें जो है रिमांड से बाहर लाने के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची है। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि केजरीवाल के वकील हैं, वो लगातार आपको कल निचली कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने जो है अपनी अर्जी वापस ले ली थी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने। तो अब इस तरह की चीजें सामने आ रही है और अब सुनीता केजरीवाल जैसे कि सामने आई है तो इनको लेकर चर्चाएं तेज हो गई है और लोग कह रहे हैं क्या दिल्ली में भी बिहार वाला हाल होने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार से बिहार में लालू यादव के जेल जाने के बाद आपको राबड़ी देवी ने बिहार की कमान संभाली थी, तो क्या सुनीता केजरीवाल जो है वो राबड़ी देवी की भूमिका में एक तरह से दिख सकती हैं, यानी कि दिल्ली में सीएम बन सकती हैं? ये आपको देखना दिलचस्प होगा और तमाम तरह की बातें हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है कि क्या दिल्ली में सुनीता केजरीवाल, अगर आपको अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देते हैं तो क्या सुनीता केजरीवाल दिल्ली के सीएम बन सकती हैं? आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए और लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ ब्लॉक डिजिटल। नमस्कार।